जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक आतंकी ने सुरक्षा बल के जवानों के सामने सरेंडर कर दिया। ये 3 दिन पहले ही एक आतंकी संगठन के साथ जुड़ गया था और एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने इसे घेर लिया और सरेंडर करने का मौका दिया, जिस पर ये आतंकी सरेंडर को तैयार हो गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक जवान इस आतंकी की तरफ बढ़ा और वहां मौजूद दूसरे जवानों को भी गोली नहीं चलाने का आदेश दिया। कोई नहीं चलाएगा, कोई फायर नहीं करेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सुरक्षा बल के जवान ने इस आतंकी को अपनी तरफ बढ़ने को कहा और आतंकी भी बात मानते हुए उनकी तरफ बढ़ता चला गया। पीछे देखो, पैंट पहनो, अपना पैंट पहनो और आ गया, इधर ही आ गया, इधर आओ। सुरक्षा बल के जवान भी पूरी तरह एहतियात बरतते हुए इसके पास पहुंच गए और उसे ढांढस बंधाते हुए भी नजर आए। कोई और तो नहीं है, वेपन है, वही है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। और उसके पास पहुंचते ही उसे आराम से एक जगह पर बिठा दिया। कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है। जिसके बाद इस आतंकी के चाचा को बुलाया गया, जिन्होंने उसे जिंदा देखते ही गले लगा लिया और सुरक्षा बल के जवानों का भी शुक्रिया अदा किया। वहां मौजूद जवानों ने आतंकी का ध्यान रखने और अगली बार ऐसा नहीं करने की भी सलाह दी। सारी गलती इसके साथ, हमने रिक्वेस्ट किया इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। सब निकलेगा फिर मेरी लाश होगी पहले। इस आतंकी के पास से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। पंजाब के मुख्तसर